नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हम सफर। वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज डेफिनेटली अगरबत्ती के बिजनेस के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन आज का वीडियो शुरू करेंगे एक दूसरा बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को फोन करके ये बोलते हैं कि भैया, मैं जो सेंटेड अगरबत्ती का बिजनेस करूंगा, उसका मार्केट मैं कैसे क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट किया जाता है उसका मार्केट, यही पूछते हैं ना आप लोग। तो मैं एक दूसरा बिजनेस का एग्जाम्पल आपको पहले देता हूं, ठीक है। देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस करते हैं। हमारे बंगाल का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा बाजार बाकरा मार्केट से कपड़े खरीद के लाते हैं, उसको कटिंग करते हैं, स्टिच मैन से स्टिचिंग करवाते हैं, करवा के वो कपड़े को हरीशा का हाट, मंगला का हाट में लेके जाते हैं, ठीक है। हफ्ते में दो दिन वो लोग हाट पे जाते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रोडक्शन किया हुआ नाइटी हो, कुर्ती हो, सलवार हो, सेल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सोचिए, उन लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक लॉजिक के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सोचिए गौर से। और ये जो सारे लोग हैं ना, जो ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं, बहुत बहुत पैसा कमाते हैं, महीने में 80,000, 70,000, 1,00,000, 2,00,000 तक कमाते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, कपड़ा खरीद के लाते हैं, उसको काटिंग करते हैं, स्टिच मैन से स्टिच करवाते हैं और लेके मंगला हाट हरीशा हाट में चल जाते हैं। एक एक पीस में 10 रुपया 15 रुपया प्रॉफिट रख के माल छोड़ देते हैं, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन कैश पे माल सेल करते हैं, ठीक है। और एक एक आदमी को देखिएगा, मतलब हफ्ते में 10,000 15,000 50,000 तक का ये माल सेल हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो अगर वो लोग एक पीस में 10 रुपया करके भी प्रॉफिट करें, अगर 4,000 से 5,000 माल हर हफ्ते उसका बिकता है, तो हर हफ्ते वो आदमी कितना कमाता होगा, ये आप सोचिए, गौर से सोचिए, ठीक है। तो अब सोचिए उनको कितना मेहनत, वो कपड़ा पहले खरीद के लाता है, कटिंग करता है, स्टिच मैन से स्टिचिंग करवाता है, फिर गाड़ी लेके हाट में जाता है, रात भर वहां पे बैठता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। बारिश का मौसम में तो हरीशा हाट मंगला हाट में कपड़े ना है, वो जो रोड है, रोड में पानी भर जाता है, उसके ऊपर फ्लोटिंग करता है उसका माल, ऐसा भी मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इतना मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को, लेकिन आपके अगरबत्ती के बिजनेस में आप एक मशीन बिठा के ब्लैक रॉस्टिक, अच्छे क्वालिटी का रॉस्टिक, अच्छे क्वालिटी का रॉस्टिक अगर आप लोग बनाते हो, ठीक है, और उसको मार्केट में लेके जाते हो, खुद हो या सेल्समैन को लेके, ठीक है, आपको एक डजन माल बनाने में कितना खर्चा होता है भाई, कितना खर्चा होता है, 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया। अगर अच्छे क्वालिटी के माल बनाने में आपको 60 रुपया भी खर्चा हुआ अगरबत्ती का एक डजन बनाने के लिए, 10 रुपया का बॉक्स, ठीक है, अगर 60 रुपया भी खर्चा हुआ, उसको आप अगर 65 रुपया में, 68 रुपया में भी छोड़ते हो, डजन में आपको 8 रुपया का
मुनाफा होता है, क्या खराबी है उसमें, क्या चाहिए? 30 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 100% प्रॉफिट कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता। एक नाइटी बनाने में जो आदमी नाइटी बनाता है, कुर्ती बनाता है, एक कुर्ती नाइटी बनाने में उसको 100 रुपया, 110 रुपया, 115, 120, 170 रुपया तक खर्चा होता है, वही मान लो 10 रुपया, 15 रुपया मार्जिन लेके छोड़ देता है। तुमको कितना इन्वेस्टमेंट होता है भाई अगरबत्ती बनाने वाला, कितना? 55 रुपया, 60 रुपया, कितना? उससे ज्यादा तो नहीं। तो वो अगरबत्ती अगर आप लोग 6 रुपया, 8 रुपया मार्जिन रख के भी छोड़ दो, क्या खराबी है, क्या खराबी है उसमें? बैंगलोर का ब्रांडेड कंपनी भी यही करता है, क्वांटिटी में बेचो, कैश में बेचो, कम मार्जिन करो, देखो ना करके। बंगाल का माल बैंगलोर के साथ कंपीट करेगा, ये कोई एक्टिंग नहीं है, सच में बताते हैं। अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? वीडियो पे मैं क्या बोल रहा हूं उसका जो पिन पॉइंट है, कोर पॉइंट है, उसको सोचो। मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, वो मत सोचो। ये मेरा स्टाइल है, अपन का स्टाइल ही ऐसा है साला। ठीक है, तो आप लोग ये सोचो कि अगर रेडीमेड गारमेंट बनाने वाला, ठीक है, 115 रुपया, 120 रुपया इन्वेस्ट करके 10 से 15 रुपया कमाने को राजी है कैश में बिजनेस करके, तो आप लोग 55 रुपया, 60 रुपया इन्वेस्ट करके क्यों 10 रुपया 8 रुपया कमाने के लिए राजी नहीं है? आप लोग सोचते हो साला एक डजन में 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया कमाएगा, यही सोचते हो ना? गलत सोच है, इसीलिए तुम लोग उठ नहीं पाते। अगर उठना है, ठीक है, टारगेट करो कि क्वांटिटी का बिजनेस करना है, कम मार्जिन में बिजनेस करो, ठीक है, कैश में बिजनेस के ऊपर टारगेट रखो। पूरा जो दिन है, होल डे है, पूरा समय को सही तरीके से काम पे लगवाओ, पूरा समय को इस्तेमाल करो। देखो दिन में 1000-1200 रुपया आराम से आ सकता है, आराम से आ सकता है, ब्लैक स्टिक को सेंटेड करके, पैकेजिंग करके बेचने में, ठीक है? लेकिन दोस्तों मेहनत करना होगा। अगरबत्ती बनाना तो बहुत आसान है, उसको सेंटिंग करना भी बहुत आसान है, लेकिन समय जाता है उसको पैकेजिंग करने में, उसका पैकेजिंग समय को सही तरीके से, एक एक बूंद समय को, एक एक सेकंड समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके, दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पैकेजिंग करके कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी टू कंज्यूम, ऐसा प्रोडक्ट रेडी करो, मार्केट में उसको प्रेजेंट करो, देखो कितना कमाई होता है। 10 रुपया के डजन वाला बॉक्स पे 5 रुपया कमाओ, 4 रुपया कमाओ, संतुष्ट रहो, लेकिन दिन में कम से कम 1000 डजन बेचो। बेचने के लिए ऑनलाइन मीडिया को यूज करो, फर्स्ट टाइम कम मार्जिन होगा, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में संतुष्ट रहो। माल अच्छे क्वालिटी का बनाओ, माल अच्छे क्वालिटी का बनाओ कि कोई तुम्हारे माल पे उंगली ना उठा सके, ठीक है? 55 रुपया इन्वेस्ट करके 5 रुपया, 7 रुपया कमा के माल छोड़ दो,
ठीक है, लेकिन कंडीशन ये रखो कि भाई अगर मुझसे इसी रेट पे माल लेना है तो आपको कम से कम 60 या 70 दर्जन माल लेना है, करके देखो, करके देखो, 1 महीने कोशिश करो, देखो हजारों डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारे पास आ जाएगा ब्रांडेड कंपनी को छोड़ के। यही प्रिंसिपल बेंगलोर के ब्रांडेड कंपनियां भी अप्लाई करते हैं, तुम भी अप्लाई करो। जरूर बनेगा तुम्हारा बिजनेस, लालच के छोड़ो, पहले कर्म करो, फल रिजल्ट, पैसे की चिंता मत करो, पैसा रिजल्ट अपने आप आएगा अगर तुम्हारा माल गुड क्वालिटी का रहा तो। ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया ना, बुरा लग रहा है, मत देखो, अच्छा लग रहा है। अगर ये मानते हो कि मेरे बात में थोड़ा सा भी लॉजिक है तो इसको फॉलो करके देखो, 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। सत्रह साल से कर रहा हूं मैं ये बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे सामने नहीं बताता, बताऊंगा भी नहीं, वो मेरा बिजनेस सीक्रेट है, मैंने क्रिएट किया है, तुमने भी तुमको भी तुम्हारे अगरबत्ती में सीक्रेसी क्वालिटी क्रिएट करना है, वो उसको भी सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना है। तुम्हारा भी बिजनेस बनेगा, तुमको भी पैसे मिलेगा, क्रिएट करो अपना ब्रांड, अगर मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वर। अगर तुम शांति के टाइम में ज्यादा पसीना गवाओगे तो जंग के टाइम में तुमको कम खून बहाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।